रिलेटेड है। वर्कआउट नंबर 3 में हमने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन किया था, अब हम बैक और विद को ट्रेन करेंगे। और गाइस इसके साथ मैं आपको बताऊँ, अगर आप वाकई में दर्द चाहते हैं, अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो मैं वर्कआउट बना रहा हूँ इसको पूरा फॉलो करें। और आगे मैं आपके लिए इंशाल्लाह डाइट के रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर मैं आप गाइस आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप मेरे वर्कआउट और डाइट को फॉलो करेंगे आपको 100% आपको जो रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ आपसे एक सख्त गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन उसको भी दबाएँ। मैं हूँ अवैस फिटनेस मोटिवेटर और ये मेरा दोस्त उस्मान। चलिए ये शुरू करते हैं। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो पुलअप। पुलअप हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारी पूरी बैक जो है वो उसके साथ ट्रेन होगी, वी शेप के साथ ये ट्रेन होगी। इसको पूरी तरह होल्ड करें और स्लो स्लो इस एक्सरसाइज को करें। हम जो टोटल है इसमें एक्सरसाइज करेंगे वो 6 करेंगे और सुपर सेट यानी कि दो दो एक्सरसाइज इकट्ठी करें बैक टू बैक, नो रेस्ट, दो करके एक्सरसाइज फिर हम रेस्ट लेंगे। अब हमारा पहला सेट चल रहा है। एक्सरसाइज को जितना स्लो करें उतना ही अच्छा है ताकि आपका ब्लड फ्लो हो। इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो रोप रोज। इसको भी जो हमारी ये एक्सरसाइज मेनली हमारी मिड बैक की एक्सरसाइज है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट पुशअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पूरा स्लो स्लो इसको होल्ड कर कर इसको एक्सरसाइज को करें। जब आप आए पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि मसल जो है आपका पूरी अच्छी तरह आपको कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो। ये हमारी दो एक्सरसाइज बगैर नो रेस्ट के हमने लगाई है। इसके बाद हम दो से तीन मिनट रेस्ट लेंगे फिर हमारा जो तीसरी एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करेंगे। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो हाइपर एक्सटेंशन। ये मेनली हमारी लोअर बैक की एक्सरसाइज है, जो लोअर बैक L1, L2, L3, L4 जो स्पाइन का एरिया है उसकी एक्सरसाइज है। अगर आपको बैक पेन है इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें और एक्सरसाइज को जितना स्लो करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। इस एक्सरसाइज के साथ अगर आप बेल्ट बांधें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा ताकि इंजरी के चांसेस ना हो। इसके साथ जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो बारबल रोज। ये मेनली हमारी मिड बैक की एक्सरसाइज है। जब आप जो बारबल नीचे से ऊपर लाएं तो आपका जो स्टमक का एरिया है यानी कि जो आपका ओब्लिक एब्स का एरिया है उसके साथ इसको हल्का सा टच करें, ना कि चेस्ट के साथ। जो हमारी पांचवी एक्सरसाइज है वो लैट पुल डाउन। आप जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो ऊपर से जब नीचे हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें इसको और इसको अपनी चेस्ट के साथ हल्का सा टच करें और अपनी बैक को पूरा होल्ड करें। ये देखें जैसे हम कर रहे हैं इस तरह करें इसको और इसको स्लो स्लो परफॉर्म करें। आप अपने मसल को जितना होल्ड करेंगे उतना ही आपका मसल डेवलप होगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें इसको। मिड बैक की हमारी एक्सरसाइज है, तीन सेट लगाने हैं इसके साथ। जो हमारी छठी एक्सरसाइज है वो डंबल रोज। ये मेनली हमारी विंग्स की एक्सरसाइज है। इसको जब आप नीचे से ऊपर ले जाएं तो अपने ओब्लिक का पार्ट यानी एब्स के साथ इसको हल्का सा टच करें, ना कि चेस्ट के साथ। अक्सर लोग इसको चेस्ट के साथ ही टच कर देते हैं लेकिन आपने इसको ओब्लिक का जो पार्ट है उसके साथ हल्का सा टच करें और पूरा होल्ड करें इस मसल को और स्लो स्लो इसको करें। फिनिश है मुकम्मल, आप इसे पूरे माइंड और फोकस के साथ करें। और ये मेरा उस्मान दोस्त है, इसने काफ़ी जो है मेहनत की है। इसने अपना इसका वजन जो लगभग 50 kg था, इसने पूरी डाइट और फॉलो वर्कआउट और डाइट मेरी फॉलो करके 60 kg पर अपना वेट किया है। और अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन भाइयों की इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी है उसको दबाएँ। और गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।